हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के बारे में। इस जिले के भी बहुत ही रोचक कहानी है। हनुमानगढ़ अपने मंदिरों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये जिला सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा माना जाता है, जहाँ आज भी हजारों साल समृद्ध संस्कृति के अवशेष दबे पड़े हैं। हनुमानगढ़ को पहले भटनेर भी कहा जाता था। इस जिले को गंगानगर से अलग करके राजस्थान के 31वें जिले का दर्जा दिया गया था। ये जिला 12,645 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला हुआ है। वहीं हनुमानगढ़ चूरू गंगानगर पंजाब हरियाणा के सीमाओं से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस जिले को 7 तहसीलों सोगरिया रावतसर नौरा भादरा टिब्बी और पीलीबेंगा में बांटा गया है और ये जिला घाघर नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर बात करें इस जिले की जनसंख्या की तो हनुमानगढ़ जिले में 17,74,000 लोगों की आबादी पाई जाती है, जिसमें पुरुषों की आबादी 9.31 लाख और फीमेल की आबादी 8.43 लाख के आसपास पाई जाती है। इस जिले में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 68% है। हनुमानगढ़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें से हिंदू 80%, पंजाबी 13% और 7% मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। वहीं बात करें हनुमानगढ़ के आकर्षण की तो ये जिला भटनेर के किला के नाम से भी जाना जाता है, जहां लाखों की संख्या में लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ये किला लगभग 1700 साल से अधिक पुराना है और इसे भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। यहां और भी धार्मिक जगह जैसे शीलापीर मंदिर, माता भद्रकाली का मंदिर, श्री गोरखनाथ जी का मंदिर के भी दर्शन आप कर सकते हैं। वहीं यहां काले बंगर भी मौजूद है, जहां खुदाई में हड़प्पा की मोहरें, मानवों के कंकाल, तांबे की चूड़ियां, कुएं, स्नान घर, सड़कें और किले के अलावा और भी चीजों का पता चला है। अगर आप इतिहास में रुचि रखने वाले हैं तो आपको काले बंगर एक बार जरूर आना चाहिए। अब अगर बात करें इस जिले के इकोनॉमिक सोर्सेज की तो हनुमानगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जहां पर हथकरघा में कपास और ऊन की बुनाई होती है। वहीं यहां पर खेती भी की जाती है। किलों के लिए प्रयोग किए जाने वाला सामान भी हनुमानगढ़ से ही दूसरे जगहों पर भेजा जाता है। इस जिले में चना, सरसों, गेहूं, अरहर, नरमा कपास, मूंग, मोठ, बाजरा और ज्वार आदि फसलों की उगाई की जाती है। वहीं इन फसलों में पानी की आपूर्ति इंदिरा गांधी फीडर भागड़ा और गंभ कैनाल द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज उद्योग और खेती से जुड़ी सेवाओं को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम करता है। बात करें इस जिले की कनेक्टिविटी की तो हनुमानगढ़ दिल्ली से 369 किलोमीटर और जयपुर से 405 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हनुमानगढ़ के बिल्कुल पास में चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, 312 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो पूरे देश में मुंबई, दिल्ली और महानगरों से दैनिक उड़ानों के साथ जुड़ा हुआ है। और वहीं जयपुर, दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ और जोधपुर से सड़क के माध्यम से हनुमानगढ़ के लिए बसें राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई जाती है। जिला रेल सुविधाओं के माध्यम से भी राजस्थान के कई बड़े शहरों, दिल्ली और पंजाब से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस शहर की सुंदरता को करीब से देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।